हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर, सेकेंड यूनिट का तीसरा लेक्चर है फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, जहां पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल इत्यादि चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। क्योंकि फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमने आपको बताया भी था दो प्रकार का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, इसी क्लास में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन जो हमारा है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से लग रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर अर्थात इसमें भी फ्रेंड्स दो जंक्शन होंगे, पीएन जंक्शन पहला और ये पीएन, दो जंक्शन तो बनेंगे फ्रेंड्स, दो जंक्शन होंगे। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि तीन टर्मिनल होंगे, कौन कौन से, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये आपका इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो क्लास आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। जैसे फ्रेंड्स हमने आपको बताया, इसमें भी तीन टर्मिनल होंगे, इमीटर, बेस, कलेक्टर। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए हमारे जो दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस मोड में होना चाहिए तथा दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस मोड में होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया भी है कि किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में किस प्रकार से किया जाता है। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया था, यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पीएन जंक्शन के पी सिरे से जुड़ जाए, देखिए बैटरी का पॉजिटिव पी से जुड़ गया और बैटरी का नेगेटिव एन से जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, हमारा पहला पीएन जंक्शन मींस इमीटर जंक्शन, इमीटर जंक्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, चाहे इसको पहला जंक्शन बोलिए अथवा इमीटर जंक्शन बोलिए, क्योंकि इमीटर साइड प्रोजेक्शन है ना, इसलिए तो इमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस मोड में हो गया। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें दूसरे जंक्शन को अर्थात कलेक्टर जंक्शन, जैसी कलेक्टर जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन को किस प्रकार से रिवर्स बायस किया जाता है। फ्रेंड्स सिंपल सा तरीका है कि आप बैटरी के धनात्मक सिरे को एन से जोड़ दीजिए और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को पी से जोड़ दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या किया हमने, बैटरी का धनात्मक सिरा है हमने एन से जोड़ दिया और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को हमने पी से जोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस मोड में हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स हम किसी भी ट्रांजिस्टर को, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, दोनों ट्रांजिस्टर के लिए सेम नियम लागू होता है कि सबसे पहले आप उसके पहले जंक्शन अर्थात इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में करिए और उसके बाद आप दूसरे जंक्शन अर्थात कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करिए, उसके बाद ही ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने एनपीएन में भी ऐसे किया था और पीएनपी के साथ भी हमने वही सेम प्रोसेस किया, पहले जंक्शन इमीटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस मोड में किया और दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में लगा दिया, संयोजित कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमने आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचानने का तरीका बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपकी जो करंट होगी वो इमीटर टर्मिनल से अंदर की ओर होगी, एनपीएन के लिए आपका बाहर की ओर होगी और पीएनपी के लिए आप अंदर की तरफ होगी। देखिए फ्रेंड्स हम यहां पे पीएनपी डिस्कस कर रहे हैं, तो इमीटर के लिए आपका जो करंट होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर की ओर होगी, यही करंट की दिशा अगर बाहर की ओर हो जाती फ्रेंड्स तो ये क्या बन जाता, एनपीएन बन जाता ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स हमने पिछली कक्षाओं में आपको ये बता चुके हैं पहले से ही पहचान लेना। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी वर्किंग, जो भी फ्रेंड्स हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यह ट्रांजिस्टर किस प्रकार से निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स अब इसमें
ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया था कि नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर होता है इमीटर आपका हैवी डॉप होता है, मतलब इमीटर की डोपिंग ज्यादा होती है और उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग होती है और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। फ्रेंड्स, डोपिंग का मतलब ये है कि वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डोपिंग होगी उतना ही ज्यादा उनका डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुसंख्यक आविष्कार मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इमीटर है हैवी डॉप है इन कंपेरिजन टू अदर रीजन। तो इमीटर जो आपका डोपिंग ज्यादा होने की वजह से जैसे इसको आपने इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में लगा दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, इमीटर में आपका जो आपका पी है पी क्षेत्र है पी क्षेत्र का आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं होल्स। तो फ्रेंड्स, आपके पी क्षेत्र के होल आपके एन क्षेत्र में जाएंगे और एन क्षेत्र के आपके इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बेस की डोपिंग कम होती है इसलिए यहाँ से बहुसंख्यक आविष्कार जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो होल की कंपेरिजन में कम होंगे तो यहाँ से होल का विसरण पी क्षेत्र में होगा और एक दूसरे के न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो बेस है बेस की डोपिंग और इसका एरिया दोनों ही कम होता है इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पी क्षेत्र के आपके ज्यादातर होल आपके यन क्षेत्र को मीन्स बेस को पार करके आपकी कलेक्टर तक भी पहुंच जाते हैं। चूंकि फ्रेंड्स पी क्षेत्र और यन क्षेत्र के क्रमशः होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से हमारी जो करंट आएगी वो आएगी इमीटर करंट। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं इमीटर करंट IE = IEP + IEN। यहाँ फ्रेंड्स IE क्या है, इमीटर करंट है, इमीटर धारा है। IEP क्या है, इमीटर करंट ड्यू टू होल, होल की वजह से इमीटर धारा। दूसरा टर्म जो आपका IEN है फ्रेंड्स वो है इमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए थ्योरेटिकली फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, जो हमारा होल की वजह से इमीटर करंट आ रही है उसका मान काफी ज्यादा होगा आपकी इमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इमीटर का ये जो सिरा है इसकी जो है डॉपिंग ज्यादा होती है इसीलिए आपके चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन यहाँ से ज्यादा होगा। इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो आपकी इमीटर करंट होल की वजह से आ रही है उसका मान ज्यादा हो जाएगा, इससे इमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स हमारी इमीटर करंट आ गई IE = IEP + IEN। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बेस है उसकी डोपिंग भी कम होती है साथ ही साथ उसका एरिया भी कम होता है इसीलिए हमारे इमीटर से ज्यादा आवेश बेस को पार करके कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से कलेक्टर में एक धारा प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं कलेक्टर करंट। क्योंकि फ्रेंड्स कलेक्टर जंक्शन हमारा जो है वो रिवर्स बायस है इसलिए फ्रेंड्स कलेक्टर में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। तो फ्रेंड्स हमारी कलेक्टर जो करंट आएगी वो आएगी कलेक्टर करंट ड्यू टू होल प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट। फ्रेंड्स हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इस प्रकार की करंट देखी थी, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमने वहां पे भी एक जंक्शन को रिवर्स बायस किया था और यहाँ पे भी हम एक जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं इसीलिए दोनों केसेस में हमारी ICO आएगी इस रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि आपकी नैनो एम्पीयर रेंज में एक करंट होगी फ्रेंड्स जो कि दोनों ट्रांजिशन के लिए आएगी। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो आपके इमीटर के आविष्कार थे वो बेस सेक्शन को पार करके कलेक्टर तक पहुंच रहे थे जिसकी वजह से हमारी कलेक्टर करंट आ रही थी। इस कलेक्टर करंट को हमने एक्सप्रेशन के रूप में दिखाया कि IC = ICP + ICPO। ICP क्या है फ्रेंड्स, कलेक्टर करंट ड्यू टू होल, होल की वजह से कलेक्टर धारा। ICPO फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया रिवर्स सैचुरेशन करंट है। इससे फ्रेंड्स ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा IE =
इक्वल टू IC प्लस IB। ये फ्रेंड्स हमने ये PN में भी पाया था सेम, और ये PN में भी आपका सेम एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जो अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर के लिए एक्सप्रेशन आता है वो सेम आएगा, क्योंकि है दोनों तो ट्रांजिस्टर के ही दो टाइप, ट्रांजिस्टर दोनों टाइप है, दोनों की वर्किंग प्रेशर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों को हम सेम तरीके से एक को फॉरवर्ड बायस मोड में और दूसरे को रिवर्स बायस मोड में संयोजन करने के बाद ही ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो सेम आएगा। ये फ्रेंड्स ये आपका सिंपली पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसको मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, ठीक आपके सर्किट ऐसी होगी, ठीक है फ्रेंड्स ये आपका सर्किट दिया है तो ये आपका सिंबल है। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिकली पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर के दोनों प्रकार को हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो